किसका फोटो किसके किसके साथ है, कल उन्होंने जारी भी किया था, लोग देखे भी थे कि आरजेडी के महासचिव, प्रदेश के महासचिव के साथ, आरजेडी के प्रदेश महासचिव के साथ वो सम्मिलित है, लोग वो बता रहे थे। और ये फोटो स्पष्ट बताता है कि जिस लोगों को बचाने का जदयू के नेता का खेल खेल रहे हैं, जिसका नाम लोग ले रहा है कि अपराधी को भगाने की भूमिका निभाया, नगर परिषद के चेयरमैन है, अब उसके बेटे के साथ उस अपराधी की फोटो है। एक भी बालू से जुड़ा हुआ मेरा या मेरे परिवार का प्रमाण है तो आप सार्वजनिक करिए, और नहीं करते हैं तो फिर माफी मांगिए और इन लोगों पर कार्रवाई करिए। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। बिहार के लखीसराय में 20 नवंबर को अपराधियों के द्वारा एक ही परिवार के 6 लोगों पर गोली चलाई गई। ऐसे में मौके पर 2 भाइयों की मौत हो गई, वही 4 लोग पूर्ण रूप से घायल हो गए, जिन्हें पटना के पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से बिहार में अपराधियों का तांडव है, जिस तरीके से बालू माफियाओं का और दारू माफियाओं में लोगों की आए दिन जान जा रही है, कहीं ना कहीं बिहार में फिर से गुंडा राज स्थापित हो गया है। ऐसे ही क्या कुछ रहे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, उनकी बातों को आप सुनिए। लखीसराय में जो नरसंहार हुआ, 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं, पीड़ित परिवार से हमने वहां मिला भी, और आज जो भर्ती है इनमें 2 लोग की अभी भी गोली शरीर से नहीं निकला है, एक का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, एक की स्थिति गंभीर है। डॉक्टर से हमने बात भी किया है, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उनसे जो बातचीत हुई है और उस बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि पिछले छठ में भी अपराधियों द्वारा इनके साथ बच्चियों से छेड़छाड़, धमकाने का प्रयास, मारपीट करने का प्रयास किया गया, और ये जाकर के अपने स्थानीय थाना में शिकायत भी दर्ज किया है, और शिकायत पर कार्रवाई हुई होती तो आज ये नरसंहार नहीं होता। जिले में वही एसपी हैं, उस समय भी सत्ताधारी दल के लोगों के दबाव में कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने का खेल खेला गया। थाना पूरी तरह से एसपी के देखरेख में चलता है और थाने के अंदर कार्रवाई होती तो आज ये नरसंहार रुक जाता। एसपी कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं है, पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि छठ के समय यह घटना घटित हुआ था, अब सत्य कौन है ये तो उच्च स्तरीय जांच से पता चलेगा। घटना घटित होने के बाद आप इसको प्रेम प्रसंग से जोड़ दिए, उनके लोग परिवार के सदस्य कई स्थानीय लोग भी कहा कि लखीसराय स्टेशन प्लेटफार्म से सटा हुआ इनकी जमीन, कीमती जमीन पर ये जमीन माफियाओं की निगाहें टिकी हुई थी। पहले तो प्रयास किया कि बहु बेटियों को छेड़ें, तंग करें, बेच करके भागे, और जब उसमें सफल नहीं होता है तो घटना को इस स्तर तक ले जाएं
हमने मांग किया कि अगर जो उन लोगों का कहना है तो आप एक एंगल पर काम क्यों कर रहे, ये अलग एंगल है उस पर भी आप जांच कराइए। लेकिन पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में नजर आता है, और जब एसपी के कहने पर डीआईजी एक मृतक बच्ची का फोटो प्रेम प्रसंग का कई फोटो को सजा रहा हो और दिखा रहा हो, ये मानवता को लज्जित कर रहा है, और ये मानसिकता प्रशासन का दिखाई पड़ रहा है कि ये माइंड सेट कर लिए कि हमको और इधर उधर जांच नहीं करना, ये प्रेम प्रसंग कह के इसको दबा देना। इसके पहले भी लखीसराय के अंदर इस तरह की कई घटनाएं घटित हुई है, हमने पहले भी बताया कि पीट पीट कर जिसकी हत्या की गई, हॉस्पिटल गया उसको मृत घोषित किया और हार्ट अटैक कर करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दे दिया गया है। इसी एसपी के रहते परिवार के लोग छटपटाते रह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, और इस तरह के कई घटनाएं हैं। अपराधियों को बचाने का एक लंबी राशि का लेन देन कर करके ये खेल लखीसराय के अंदर हो रहा है। जहां घटना घटित हुआ है, आज पीड़ित परिवार के सदस्य बता रहे थे कि वहां दारू का बड़ा माफियागिरी चलता है, वो दारू का अड्डा है, और दारू के जमात के लोग, बालू से जुड़े लोग और जमीन माफिया, ये सिंडिकेट है, और ये सिंडिकेट टारगेट करता है और टारगेट करके प्लानिंग करता है। आज बताइए कि जो नोटबुक जारी किया है, इस तरह का एक अपराधी जो पहले भी जेल गया है, उसकी ये भाषा नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से प्लान्ड है, और आज सत्ताधारी दल के लोग प्रेस करते हैं, वो फोटो दिखा रहे हैं कि विजय सिन्हा के साथ एक जमीन माफिया जिसको इन्होंने इसके मकान में रहता था, पकड़ा है, एक साल पहले रहता था, अभी तो दूसरे के मकान में। अरे हम तो जन कल्याण संवाद करते हैं, लोग आते हैं और हम लोग को अभिनंदन करता है, मैं भी कर देता हूं, लेकिन हमने तो खुल के कहा, मेरा जिला अध्यक्ष ने प्रेस करके कहा कि उनको 2000 में ही 2020 में ही निकाल दिया गया, उसका फोटो किसके किसके साथ है, कल उन्होंने जारी भी किया था, लोग देखे भी थे कि आरजेडी के महासचिव, प्रदेश के महासचिव के साथ, आरजेडी के प्रदेश महासचिव के साथ वो सम्मिलित है, लोग वो बता रहे थे कि वो उस पार्टी में सम्मिलित भी है, और ये फोटो स्पष्ट बताता है कि जिस लोगों को बचाने का जदयू के नेता का खेल खेल रहे हैं, जिसका नाम लोग ले रहा है कि अपराधी को भगाने की भूमिका निभाया, नगर परिषद के चेयरमैन है, अब उसके बेटे के साथ उस अपराधी की फोटो है, और फोटो जब निकलना शुरू हुआ है तो फोटो बड़े लीडर वहां के बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ भी नजर पाएगा, तो फोटो की कहानी से अपराधी को बचाने का खेल और वरगलाने का खेल न करे। मैं तो कहता हूं कि मेरे दल का कार्यकर्ता हो, मेरे परिवार का सदस्य हो, पहले भी मैंने सदन में कहा है, खुल करके कार्रवाई करो और सजा दो, वरगलाने का खेल बंद करो। आपने कहा कि विजय सिन्हा का बालू का साइड चलता है, खुला चुनौती है, माननीय सांसद ललन बाबू, आपके जो जदयू के जिला अध्यक्ष और लटक हैं, जो कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मिलित रूप से कर रहे थे, एक भी बालू से जुड़ा हुआ मेरा या मेरे परिवार का प्रमाण है तो आप सार्वजनिक करिए,
और नहीं करते हैं तो फिर माफी मांगिए और इन लोगों पर कार्रवाई करिए। ये अपराधियों को बचाने के लिए आप डायरेक्शन को डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि लखीसराय में ये पहली नरसंहार नहीं है। कई लोगों की हत्या जमीन के कारण, बालू के कारण, दारू के कारण हो रहा है, और ये सिंडिकेट पूरे प्लानिंग वे में वहाँ हत्याओं का दौर चला रहा है। वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है इस सिंडिकेट के तोड़ने का, इस पर कार्रवाई कराने का। आप उच्च स्तरीय जांच कराइए, निर्दोष रहेगा तो फिर भयभीत क्यों हो रहे हैं? क्यों सीबीआई से जांच कराने से भाग रहे हैं या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से? जो एसपी बचाने का खेल खेल रहा है वो एसपी कार्रवाई कैसे करेगा? वो तो आपके दबाव में, आज लखीसराय हो, मुंगेर हो, बार हो, या जो हस्तिनापुर के गुलाम हो, वो तो जो आका बोलेगा वही गुलाम करेगा। जहां ये स्थिति है, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यही है कि पूरी तरह से पांचवा दिन बीत गया, अपराधी पकड़ाया नहीं है। और मैं कह देना चाहता हूं कि अगर जो अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी, वही लखीसराय में नरसंहार हुआ था, बालू नरसंहार, आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से लोगों की आए दिन अपराधी घटनाएं बढ़ रही है, चाहे वो जमुई हो, चाहे वो लखीसराय हो, चाहे राजधानी पटना हो, तमाम दिन आए दिन लोगों पे गोलीबारी हो रही है और अपराधी घटनाएं सामने निकल कर आते रहती है। और ऐसे में जिस तरीके से सभी चीज़ों को, मुद्दों को छुपाया जाता है और प्रेम प्रसंग की बातें कह दी जाती है और मुद्दे को दबा दिया जाता है, तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज़।